कानपुर नगर से है। डबल मर्डर से सनसनीखेज खुलासा, बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की माँ बाप की हत्या। कानपुर की बर्रा 2 EWS कॉलोनी से देर रात गोद ली हुई बेटी ने प्रेमी संग मिलकर अपने माता पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपने भाई और पुलिस को गुमराह कर अज्ञात युवाओं पर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर दोपहर उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो देर शाम उसने सच उगला। पुलिस का दावा है कि प्रॉपर्टी हत्याने के लिए माता पिता की हत्या कर दी गई। मूल रूप से सरसोल के प्रेमपुर गांव निवासी मुन्ना लाल उत्तम पत्नी राज देवी अपने बेटे अनूप और गोद ली हुई बेटी कोमल के साथ बर्रा 2 EWS कॉलोनी में रहते थे। पुलिस के मुताबिक रात के 1 से 2 बजे के बीच कोमल ने दरवाजा खोलकर अपने प्रेमी रोहित को घर के भीतर दाखिल कराया और दोनों ने मिलकर मुन्ना लाल व राज देवी मारपीट की और फिर गला रेत दिया। एक खड़े खिंचवा लीजिए, बस हम लोग चल जाएंगे। थोड़ा पीछे अंदर आ जाओ भैया, बाहर आ जाओ। क्यों कोमल, जिन्होंने तुमको पाला उन्हीं को मार दिया, कोई अफसोस है? अच्छा, जब तुम मारने गए थे तो लड़की ने दरवाजा खोला था? क्या तैयारी थी वहां अंदर? उसको पहले चाकू कौन लाया था? ऐसा कौन लेके गया चाकू? आपको काटने वाला कौन लेके गया? तो पहले किसने मारा था? उसने मारा कि तुमने मारा चाकू? तो उसके बाद जब हुआ तो पहले किसने मारा? माँ को? पिता जाग गया था कि सोते मार दिया? और माँ को? सोते मार दिया। उसको दर्द नहीं हुआ? भाई को? भाई को क्या मारा? एक मिनट सर, एक सुनो भाई भाई भाई। अच्छा, इसने क्यों कल बर्रा थाना क्षेत्र में जो डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंदर एक बुजुर्ग दंपति को धारदार हथियार से मार दिया गया था, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब सबसे पूछताछ करी, घटनास्थल का निरीक्षण किया, फॉरेंसिक की टीम गई, तो उसे यही स्पष्ट हुआ था कि ये संभवतः जो घटना घटित हुई है वो परिवार के अंदर ही हुई। इनिशियली 2 लोगों को, जो लड़का था उसके सालों को नामजद किया गया, जो कि फतेहपुर के रहने वाले थे और उन पर आरोप यह था कि उसका अपना पत्नी से विवाद चल रहा था और इसी के मद्देनज़र उन दोनों जो उसके साले थे उनको नामित किया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी और पहले ही करीब 1-1.5 घंटे के अंदर ही क्लियर हो गया कि ये नामजदगी गलत है और उसके पश्चात जब फॉरेंसिक की टीम ने उसकी बेटी से, भाई से सब चीज़ों के बारे में पूछताछ करी तो ये चीज़ निकल कर आई कि इस घटना के पीछे जो मृतक हैं उनकी बेटी ही का ही हाथ था। मुख्य रूप से जो निकल कर आया उसके अंदर कि उसने अपने जो उसका एक प्रेमी था रोहित उत्तम, उसको उसने बुलवाया था और इससे पहले जो आया था उससे पहले उसने जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर अपने भाई को और अपने माता पिता को दे दिया था, तो दोनों बेहोश थे। जब दोनों बेहोश हो गए उसके पश्चात वो उसने उसको दरवाज़ा खोल के बुला लिया और धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। जो लड़का था वो ऊपर छत पे सोया हुआ था। इनिशियली इन लोगों की जो तफ्तीश में आया कि इनकी प्लानिंग थी कि शायद लड़के की भी हत्या कर दे, लेकिन चूँकि बगल की छत जो जुड़ी हुई थी वहाँ पर 3-4 लोग सोए हुए थे, तो ये उन्होंने इस विचार को त्याग दिया और उसको जो नशीला पदार्थ था तो उसके अंदर और नशीला पदार्थ देने की कोशिश की गई,
जिससे कि वो उससे जाते। उसमें दो तीन पहलू इसको करने का प्रयास किया गया। पहला प्रयास ये किया गया कि तीनों की हत्या कर दी जाए, जिससे कि एक और लूटपाट का एक प्रारूप दिया जाए। दूसरा, जब ये नहीं हुआ तो हमने उसकी जो मोबाइल और उस चीज़ को चेक किया तो उसके अंदर ये भी निकल कर आया कि लड़की ने एक व्हाट्सएप बनाया हुआ था, जिसके अंदर ये उसने स्पष्ट लिखा हुआ था कि उसके मतलब वो माता पिता की तरफ से कि वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनका लड़के से विवाद हो गया। तो दूसरी प्लानिंग ये थी कि वो जहर से उनकी डेथ हो जाती और लड़का भी जहर खा लेता, तो ये विवाद में इस तरीके से शो करते। और मुख्य रूप से जो चीज़ इसमें निकल कर आई है इसके अंदर। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।